आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब ने आत्मचिंतन आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है। कई सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जिनकी भाषाएं लुप्त हो गई, भाषाएं गंवा बैठे, अपनी भाषाओं को आज वो छोड़ चुके हैं। और जो देश अपनी भाषा छोड़ देता है वो अपने अस्तित्व को कभी कायम नहीं रख सकता। भौगोलिक अस्तित्व हो सकता है, शायद उसका सदियों तक चले, परंतु इसका विचार प्रवाह, उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व वो नहीं बचा सकता, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। हर बच्चे में ईश्वर बुद्धि देता है, बुद्धि के साथ स्वभाषा से श्रुति और स्मृति के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। बुद्धि में ज्ञान मिलता है तो धारणा बनती है, धारणा में अनुभव और विश्लेषण मिलता है तो मेघा बनती है। बुद्धि, धारणा और मेघा ही संस्कृति की रचना करते हैं, संस्कृति का वहन करते हैं। और जो देश स्वभाषा खो देता है, जो देश स्व अपनी बोलियां खो देता है, वो देश अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का जतन नहीं कर सकता। मुझे कई बार अनेक देशों के लोगों को मिलने का अवसर मिला है, जब मैं उनको पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी है, बड़े शर्म के साथ वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। कई सारे देशों को तो उनके देश की भाषा तक याद नहीं, परंतु मैं ये बात आज की युवा पीढ़ी को और आज के भारतीय समाज को इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की जरूरत है। अगर हम हमारी भाषा खो बैठते हैं, हमारी बोलियां खो बैठते हैं, तो हमारे विचार प्रवाह के साथ हम कटाव कर लेंगे, हमारी संस्कृति के साथ हम कटाव कर लेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी भाषा ला दीजिए और भारत की कोई भी भाषा को उठा लीजिए, सबसे समृद्ध भाषाएं किसी देश में है तो मेरे भारत की भाषाएं सबसे समृद्ध।